नमस्कार, बड़ी खबर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ, जो पंचकुला से है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए किसान। राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। तो हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे, बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोका गया है। पंचकुला में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक बार फिर किसान सड़क पर हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कई तरह की मांगे हैं और किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था कि प्रदर्शन होगा, किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि किसान और मजदूर यहां पर पहले भी प्रदर्शन करते नजर आए थे। पंचकुला में सड़कों पर सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारी संवाददाता हरसिमरत इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। हरसिमरत, आप इस वक्त क्या किसानों के साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना है किसानों का, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा, आगे की रणनीति किसानों की क्या कुछ है? जी राजश्री, मैं सबसे पहले तो आपको एक बार यहाँ का माहौल दिखाना चाहूंगी। मेरे पीछे भी आप किसान देख रहे हैं, एक बड़ी यूनियन जो है यहाँ पर पहुंचे, 20 के करीब यूनियन यहाँ पे पहुंची बताई जा रही है और हजारों की गिनती में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से किसान जो है पूरे जोश में है। आज फिर से जो कूच है वो हरियाणा राजभवन की तरफ से, हरियाणा की जो किसान यूनियन है उनकी तरफ से की गई है और इनके अंदर जितना जोश है आप यहीं से देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। पंचकुला के बॉर्डर पर बैरियर जो है वो लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग यहां पर की गई है। क्या कुछ इनकी मांगे रहने वाली हैं और आज किस तरह का ज्ञापन जो है वो राजपाल को दिया जाएगा, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से रतन मान सिंह मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या क्या आपकी मांगे हैं, दोबारा क्यों जरूरत पड़ी किसानों को सड़क पर आने की, दोबारा आंदोलन करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी कि जो केंद्र सरकार है वो वादा खिलाफी में उतर आई है। जो दिल्ली आंदोलन में उन्होंने जो बात माननी थी, एक साल होने के बाद भी आज तक उन्होंने पूरी नहीं की है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं राजभवनों पर, और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और ज्ञापन के माध्यम से हम जो देश की महान राष्ट्रपति हैं, हम उनको इस सरकार की शिकायत करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार किसानों को, मजदूरों को फिर आंदोलन के लिए उकसा रही है और जो वो मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद और प्रचंड आंदोलन की तैयारी में किसान। आपके सामने देखो कितनी संख्या में यहाँ किसान भाई बहन आज यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला में पहुंचे हैं। तो ये सरकार को चेतावनी है आज कि सरकार तुरंत अपने कहे अनुसार, अपने वादे अनुसार ये वादे पूरे करो, वरना प्रचंड आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। बैरिकेटिंग लगा दी गई है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आगे का कदम किस तरह रहेगा, किस तरह आप राजभवन तक पहुंचेंगे? बैरिकेड तो दिल्ली तक के भी तोड़ रखे किसानों ने, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि पीसफुल तरीके से पूरे राज्यों में राजभवनों पर शांति प्रिय तरीके से हमने मेमोरेंडम देने हैं, इसलिए यहाँ पे पीसफुल किसानों को रोक रखा है। क्या मुख्य मांगे आपकी रहने वाली है, क्योंकि लगातार सरकार के साथ, प्रशासन के साथ भी आपकी बातचीत हुई है, पर कमी कहां रह जाती है कि किसानों को बार बार सड़कों पर आना पड़ जाता है, मुख्य बिंदु क्या रहे हैं? मुख्य बिंदु है MSP व खरीद गारंटी का कानून, अजय टैनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी, कर्ज मुक्ति किसान मजदूर की, और बिजली बिल, पराली बिल, ये सारे हमारे जो मुख्य मुद्दे है, ये आज तक ये हल है उन्हीं को लेकर के ये आंदोलन है। और आने वाली 8 दिसंबर को करनाल के अंदर फिर SKM की बैठक होगी, उसमें आगामी निर्णय का फैसला लिया जाएगा। आपने पहले कॉल दे दी थी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मांगे गए थे कि जो खुद जाके आगे राज्यपाल को ज्ञापन दे आए? इतने सारे लोग, इतने सारे जो किसान इतनी दूर दूर से आए हैं, वो भी परेशान ना होते, आम जनता भी परेशान ना होती, क्योंकि हम देख रहे हैं सारी रोड जो है वो जाम है। नहीं, अगर करनाल से या कहीं से 11 आदमी आते तो ये प्रदर्शन कैसे होता? यहाँ किसान पंचायत का भी आयोजन किया गया पार्क के अंदर, और सरकार की सड़कों पर उतर के अपना रोष भी जाहिर किया, प्रदर्शन किया है, और जो SKM का फैसला उसके मुताबिक हम काम करेंगे। आगामी जो फैसला होगा फिर उसके मुताबिक भी बैरिकेड सारा कुछ ये देख लेंगे लोग, इसको कोई बात। जिस तरह से आपके द्वारा आज ज्ञापन दिया जाएगा तो उसमें कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि इतने समय में जो है वो जवाब दे दिया जाए या जो आपके मुद्दे हैं उनको सुलझा दिया जाए? हमने ज्ञापन दे दिया, समय सरकार के पास है, और मैं कह चुका हूँ ये कि 8 दिसंबर को करनाल में SKM की मीटिंग होगी, फिर आगामी निर्णय पर मतलब विचार किया जाएगा। तो सुना
आपने, इनका कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि आज एक महापंचायत यहां पर की गई है और इसके बाद जो है कूच की तैयारी राजभवन की तरफ की गई है। हालांकि एक बार बैरिकेटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी, बड़े बड़े बैरिकेड्स जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं, किसान यहां पर मौजूद हैं, पुलिस और स्टाफ जो बाकी का है वो भी यहाँ पर मौजूद है, कंपनी लगाई गई है सेना की इनको रोकने के लिए। तो देखना होगा कि अब ये बैरिकेटिंग जो है किसान तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। जब हमने इनसे पूछा कि एक वफद, एक रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता था, पर इनका कहना था कि हम शांतमय आंदोलन ही करेंगे, यानी कि कहा जा सकता है कि बैरिकेटिंग तोड़ने का इरादा शायद इस बार किसानों का नहीं होगा, पर इनका कहना है कि अगर हमें शांतमय तरीके से नहीं जाने दिया जाएगा तो हो सकता है हम कड़ा रुख जो है वो अख्तियार कर सके। जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि आगे जाना शुरू हो गए हैं, रतन सिंह मान आप देखिए निकलना शुरू हो गए हैं, तो जाने की कोशिश राजभवन की तरफ इनकी तरफ से की जा रही है। देखना होगा कि ये यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, क्योंकि पुलिस जो है इसके अलावा आर्मी की जो कंपनी है यहाँ पर तैनात है और इनके तरफ से पूरा जिम्मा सुरक्षा का उठाया गया है। देखना होगा कि ये आगे इनको जाने देंगे या फिर नहीं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा जो है यहाँ पर की गई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पंचकुला बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी गिनती में यहाँ पर किसान आए हुए हैं और उनके हाथ में अपनी अपनी यूनियन के झंडे हैं, साथ ही तिरंगा भी लेकर ये निकले हैं। बड़ी गिनती में किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज राज्यपाल के पास जाना चाहते हैं और इनका कहना है कि केंद्र की शिकायत जो है हमने वो राष्ट्रपति को करनी है, इसलिए ये ज्ञापन जो है वो राज्यपाल को देना है ताकि वो उनकी जो मांगे हैं काफी समय से जो चल रही हैं उनको आगे राष्ट्रपति तक पहुँचा दें। इसलिए आज ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर किया गया है। पहले एक महापंचायत, किसानों की महापंचायत जो है वो पंचकुला के पार्क में की गई, उसके बाद जो कूच है वो करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस और यूनियन के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके बीच बातचीत जारी है। आप देखिए इनसे बात ये कर रहे हैं ताकि शांतिमय तरीके से इनको चंडीगढ़ के अंदर एंटर करने दिया जाए और आगे ये राज्यपाल की तरफ जा सके। जी राजश्री, बिल्कुल बिल्कुल हरसिमरत, किसान अगर आपसे बात करने को तैयार हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस प्रदर्शन की तो वादा खिलाफी के किसान आरोप लगा रहे हैं। कई बार उन्हें ये कहा गया, आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसानों की मांगे पूरी नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल राजश्री, मैं आपको बता दूं कि किसानों की तरफ से कई बार कुछ पंचायतें रखी गई, कुछ मीटिंग्स रखी गई, सरकार के साथ भी बातचीत का दौर जारी रहा, पर कुछ एक मांगे हर बार रह ही जाती हैं जिनके ऊपर अभी पूरी तरह से विचार नहीं हो पाया है, फैसला नहीं हो पाया है। इसका थोड़ा सा इसके कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी जो न्याय प्रणाली है वो थोड़ी सी लचीला रवैया रखती है, तो जिस तरह से कानून की जो प्रक्रिया है, चाहे वो केस वापस लेने की बात हो या फिर किसी के ऊपर कार्रवाई करने की बात हो, तो उसको लेके जरूर समय लगता है। इसके अलावा जब प्रशासन और किसानों की आपस में बातचीत हो रही है तो उसमें भी थोड़ा जो रवैया है वो ढीला है, तो इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर दूसरी तरफ देखा जाता है कि जब ये कॉल दे देते हैं किसान और जिस तरह से कूच की तैयारी दोबारा कर दी जाती है, तो पुलिस के साथ जो इनका पंगा चलता है, आने जाने में बीच में रोक टोक होती है या फिर कहीं पर गाड़ियां जो है वो जब्त कर ली जाती है, रोक ली जाती है, या फिर किसानों को कहीं पर रोका जाता है, किसी की गिरफ्त पर्चा हो जाता है, तो ये नए मुद्दे वहां पर भी खड़े हो जाते हैं जो कि पुराने ना होते हुए नए हो जाते हैं और इनको भी खत्म करने की मांग किसानों की तरफ से कर दी जाती है। इस तरह से जो है ये मामला लगातार लंबा चलता जा रहा है, पर इनकी जो मुख्य मांगे हैं क्या कुछ है, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, कितनी की टीम वहां पर तैनात है पुलिस की? जी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पीछे बैरिकेड्स हैं और साथ में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी यहां पर मौजूद है, इसके अलावा आर्मी जो है वो भी यहां पर मौजूद है। सभी जो है इस टाइम मुस्तैद हैं अपनी वर्दी में, अपने हथियारों के साथ। इनको बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर इन किसान जो है वो आगे नहीं जा पाएंगे। हालांकि आप देखिए कि ये पूरी तरह से तैयार है, हाथों में इनके जिस तरह से डंडे हैं और इसके अलावा रोकने के लिए भी हैं, तो ये आगे तो नहीं जाने देंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। तो आप देखिए कि पुलिस और जो कंपनी है इस टाइम आर्मी टीम की वो भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ यहाँ से, कुछ किसान यूनियन के जो लोग हैं।
बिल्कुल हरसिमरत बने रहेगा हमारे साथ। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमारे संवाददाता हरसिमरत ये तस्वीरें भी दिखा रही है आपको, और खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कई बार किसानों की मांगों को लेकर ये कहा गया कि पूरी कर ली जाएगी, लेकिन आश्वासन मात्र मिला, यह किसानों का कहना है। वादा खिलाफी के आरोप यहाँ पर किसान लगा रहे हैं, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा है। हरसिमरत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरसिमरत, यहाँ पर कई किसान संगठन मौजूद है, एकजुटता क्या नजर आ रही है? क्योंकि बीच में किसान संगठन जो है वो अलग अलग तितर बितर नजर आ रहे थे, लेकिन अभी के प्रदर्शन से क्या लगता है सारे संगठन एकजुट होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल? तो महिलाएं भी यहां पर मौजूद है जो प्रदर्शन में शामिल हुई हैं किसानों के साथ, और एक तरह से देखा जाए तो किसान संगठन यहां पर एकजुट नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए, प्रदर्शन कर रहे हैं, वादा खिलाफी के आरोप किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे किसान, से यहां पर टुकड़ियां भी तैनात की गई है, पुलिस बल बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है, बैरिकेड्स लगाकर इन किसानों को यहां पर रोका गया है। एक बार फिर से वो तस्वीरें नजर आ रही है जहां पर किसान एक बार फिर से सड़क पर है। पहले ये प्रदर्शन देखने को मिला था, किसान काफी समय से प्रदर्शन में थे, भूख हड़ताल किसान कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए थे, एमएसपी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से किसान सड़क पर है और अपनी मांगों को लेकर यहां पर सड़क पर उतरे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों के साथ महिलाएं भी यहां पर मौजूद है और प्रदर्शन चल रहा है। हरसिमरत हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। हरसिमरत, लोगों से बातचीत अगर आपकी हो पाए तो बातचीत करने की कोशिश करिए। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर हम बात करें अगर संगठन की, तो संगठन पहले तितर बितर नजर आया था, लेकिन अब संगठन एकजुट होता नजर आ रहा है। पूरा किसान दल जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल है, बैनर होर्डिंग्स भी किसानों के पास है, उसमें क्या कुछ उन्होंने लिखा हुआ है? जो बिंदु थे ज्ञापन के लिए वो तो हमने आपको पहले बताए, उन पर चर्चा दोबारा भी करेंगे, पर अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जिस तरह से किसान आए हुए हैं, महिला किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जान लेंगे क्यों दोबारा सड़कों पे आप लोग पहुंचे, कितने बिंदु रह गए थे जिन पे बातचीत नहीं हुई, और आज जो ज्ञापन है आप वो दोबारा राज्यपाल को देंगे? अपना हक लेने के लिए, अपना हक लेने के पूछे, अपना हक नहीं मिला गया इतना हम यहाँ से नहीं उठेंगे, अपना जीतेंगे हम। तो किस तरह से देखते हैं इसको कि दोबारा घर बार छोड़ के आप लोग सड़कों पे इधर आए हुए हैं और अभी जाना है ज्ञापन देने के लिए, पुलिस जो है वहाँ पर बैरिकेड लगाकर बैठी है? हमारी उम्मीद पूरी है कि हमारा ज्ञापन लिया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। किसान 13 महीना रोड पर बैठा है और इन्होंने दिल्ली में रोडों पे किले ठोक दी थी, वहाँ किसान ने फूल उगा दिए थे, फसल उगा दी थी। हम वो किसान, हम उस किसान के बच्चे हैं, हम हमारा हक लेना जानते हैं और लेंगे। तो किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ पर जो आपके ज्ञापन है, क्या आपको पता है कौन कौन सी मांगे हैं जो आगे राज्यपाल तक देनी है और किस तरह से आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि यहीं पे रोक लिया गया है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं? मांगे तो बहुत ज्यादा हैं जी। देखो, हमें 1.5 साल तक रोड पे बैठे रहे, सरकार ने हमें झूठ बोल के उठा दिया कि हम ना MSP की गारंटी देंगे, और जो लखीमपुरी जो घटना घटी थी, हमारे 5 किसान भाई थे वो शहीद हो गए थे। आज तक अजय मिश्रा डैनी न तो गिरफ्तार हुआ, न ही उसका कोई सजा सुनाने वाली बात हुई। अगर यही काम हमारा आम आदमी, आम किसान कर देता तो उन्हें जेल हो जाती। आज तक कोई फैसला नहीं हुआ हमारे लिए, न हमारी MSP की गारंटी हुई, न बिजली बिल अधिनियम जो लागू कर दिया हुआ उन्होंने हटाया। घर को छोड़ के आना आसान तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं रहा जी। हम 1.5 साल तक रोडों पे बैठे हुए हैं, बरसात आंधी तूफान आते रहे, हम रोडों पे तप्पड़ बिछा के बैठे रहे। ये सरकार ये सोचते ना हम घुटना टेक देंगे, हम घुटना टेकने वाले नहीं है। हम 1.5 साल तक जब बैठे रहे तो आगे भी हम बैठे रहेंगे, हमने हथियार टेक के हैं, चलाना नहीं भूले। हम आज भी तैयार हैं रोड पे बैठने के लिए, अपना हक लेके ही यहाँ से उठेंगे। अब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, जैसे 1.5 साल पहले हमें झूठ बोल के उठा दिया था, अब हमें इस झूठी और बेकार सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। कहाँ से आए हैं आप और कहाँ जाना चाहेंगे? बुलाची का भाटिया गाँव है जी, अगर गवर्नर साहब के पास है जी, जान वाले हैं जी की ताकत है। पहले दिल्ली सरकार ने जोर डाले जो तो है कि सरकड़े भाग दी मूली, एक मिनट में इजाजत दे ना, इजाजत हमारे ये किसान लीडर हमारे आगू, ये तो एक सिकट का काम है, इनकी क्या औकात है हमारे सामने?
हम गवर्नर के सीधे उनके दफ्तर में जा सकते हैं और देश के नागरिक प्रदर्शन चल रहा है। किसान काफी गुस्से में हैं और एक तरह से इनकी मांगों को लेकर अब कब तक विचार होगा ये खैर देखने वाली बात होगी। पंचकुला में किसानों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत बातचीत करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पंचकुला में बैरिकेड लगाकर किसानों को रोका गया है, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे किसान, वादा खिलाफी के आरोप किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं।